तो हेलो गाइस, कल सर्वाइवर सीरीज होने वाला है और कल सर्वाइवर सीरीज के इवेंट में काफी हमें अच्छे अच्छे मैच देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्मैकडाउन के सुपरस्टार सामने आएंगे, रो के सुपरस्टार सामने आएंगे और इसके अलावा गाइस चैंपियन वर्सेस चैंपियन सामने आएंगे। देखने को काफी कुछ है और इस वीडियो में जानेंगे हम सभी मैचों के रिजल्ट के बारे में कि कौन कौन सुपरस्टार अपने अपने मैच को जीतने वाला है या कौन सा ब्रांड जीतने वाला है। तो बात करेंगे सभी चीजों के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो पूरी जरूर देखने वीडियो को। तो गाइस बात करें रो के मेंस टीम के बारे में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें लीड करते हुए हमें दिखाएंगे देंगे सेथ रोलिंस, इसके अलावा केविन ओवंस, इसके अलावा बॉबी लैशली, फिन बैलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। तो रो की टीम काफी ज्यादा ताकतवर जहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा बात करते हैं गाइस स्मैकडाउन की टीम की, तो गाइस यहाँ पे स्मैकडाउन की टीम भी काफी ज्यादा हार्ड कोर है। यहाँ पे है हमें ड्रू मैकइंटायर लीड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसके अलावा जेफ हार्डी, इसके बाद किंग वुड्स, इसके बाद सेमस एंड हैप्पी कॉर्बिन। तो गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा इनकी हार टीम है। इन दोनों ही ब्रांड का ये मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी ज्यादा मस्त रहने वाला है और किसी एक विनर के रूप में इस टीम को चुनना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्मैकडाउन को यहाँ पे जीत मिल सकती है क्योंकि मैकइंटायर, हार्डी और यहाँ पे सरप्राइज एंट्रेंट उनकी जो है जीत का कारण बन सकती है, क्योंकि टीम रो में सुपरस्टार के बीच तालमेल की कमी हो सकती है। तो इस वजह से स्मैकडाउन यहाँ पे फायदा उठा सकता है और वो जीत हासिल कर सकता है अपने ब्रांड के लिए। बात करते हैं कि गाइस विमेंस टीम के बारे में, तो यहाँ पे रो की बात करूँ तो मैं यहाँ पे बैंका ब्लेयर, रिया रिपली, क्वीन जेलिना, लिव मॉर्गन और कार्मेला यहाँ पे दिखाई देंगी रो की टीम से। बात करते हैं स्मैकडाउन की टीम से, तो यहाँ पे शासा बैंक्स, सॉल्टी जी, साइना बिजलर, नटालिया, टोनी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ये टीम स्ट्रॉन्ग रहने वाली है दोनों ही तरफ से। दोनों टीम में कई बड़े सुपरस्टार मौजूद हैं। रो और स्मैकडाउन की टीम काफी जो है बैलेंस्ड है और इस कारण मैच में किसी एक को विनर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि टीम रो के पास यहाँ पे बेहतर वुमेन सुपरस्टार हैं और वो अच्छे तालमेल दिखते हुए स्मैकडाउन की टीम को हरा सकती है। गाइस बात करते हैं सेकंड मैच के बारे में जो कि है यूनाइटेड स्टेट चैंपियन डायमंड प्रिस्ट वर्सेस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के नाकामुरा। इस मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़े तरीके से हाइप बनाई है। नाकामुरा के पास आईसी चैंपियन जरूर है लेकिन उन्होंने चैंपियन के रूप में अच्छा काम नहीं करा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें लगातार कमजोर दिखाया और इस वजह से मैच में विनर को चुनना इतना मुश्किल नहीं है। नाकामुरा जरूर डायमंड प्रिस्ट को कड़े टक्कर देंगे लेकिन यहाँ पर डायमंड प्रिस्ट जीत हासिल कर सकते हैं और वो रो को सर्वर सीरीज में एक बेहतर दिखाकर एक पॉइंट ले सकते हैं। बस बात करते हैं रो टैग टीम चैंपियन आरके ब्रो वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन द उसोस के बारे में। बस सर्वर सीरीज में आरके ब्रो और द उसोस ड्रीम मैच को हर कोई देखना पसंद करेगा। द उसोस सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई में लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं लेकिन आरके ब्रो ने पिछले कुछ महीने में सभी को एंटरटेन किया है। दोनों के पास अपने अपने ब्रांड के टैग टीम चैंपियन वो यहाँ बढ़िया काम करना चाहेंगे। हालांकि रो और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन के बीच ये मैच मायने में खास रहने वाला है। इस मैच में विनर को चुनना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि रैंडी ओटन और रिडल की जोड़ी को डब्ल्यूडब्ल्यूई कमजोर नहीं दिखाएगी, उसो को हार से उतना नुकसान नहीं होगा लेकिन यहाँ पर हमें जीतती हुई देगी आरके ब्रो। बात करते हैं रो वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच वर्सेस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के बारे में। रॉयल सीरीज में बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच होगा। हालांकि दोनों सुपरस्टार ने अपने कई बार जो है काफी अच्छे मैच दिखाए हैं और वहीं वो यहाँ भी धमाकेदार अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इनके बीच बैक स्टेज अनबन रही है और इस वजह से सभी फैंस दोनों सुपरस्टार के बीच एक सिंगल मैच देखना पसंद करेंगे। इस मैच में किसी एक विनर के रूप में चुनना मुश्किल है लेकिन दोनों सुपरस्टार काफी ताकतवर है और वो मैच में जीत दर्ज करने के काफी हकदार भी हैं। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में बेकी लिंच को जीत दिलवाने का डिसीजन ले सकती है, इससे रो ब्रांड को सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े इवेंट में फायदा होगा। गाइस बात करें चैंपियन वर्सेस चैंपियन यानी कि रोमन एंड बिगी के बारे में, तो रोमन और बिगी के बीच सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में हमें ये मैच देखने को मिलने वाला है। दोनों ही सुपरस्टार अपने अपने ब्रांड का टॉप चैंपियन है, इस वजह से उन्हें जीत कर अपने अपने शो को ताकतवर दिखाना होगा। उनके बीच थोड़ी स्टोरी लाइन अभी देखने को मिली है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को काफी हाइप करने के लिए काफी बढ़िया काम करा है। दोनों का मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी अच्छा रहने वाला है। इस मैच में विनर को चुनना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में रोमन का पलड़ा भारी रह सकता है और वो एक इम्पोर्टेंट जीत अपने नाम कर सकते हैं और स्मैकडाउन को जिता सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ इजी पीजी है। मैंने आपको रिजल्ट बता दिए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, शायद ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता, वो पता नहीं, हमें देखने को मिलेगा कल। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जल्दी जल्दी से 250 सब्सक्राइब कराओ।